एमपी के गुना के राघोगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले गैल विजयपुर के सत्य साई स्कूल में नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिषादित्य सिंधिया जी के प्रथम आगमन पर जगह जगह भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। राघोगढ़ नगर पालिका के ग्राम पाडरखेड़ी चौराहे पर कुछ महिलाएं वे घर हो गई हैं, इस वजह से माननीय मंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए खड़ी हुई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी भारतीय समाचार टीवी चैनल। बात की जाए तो राघोगढ़ तहसील के ग्राम पाडरखेड़ी जी को पाडरखेड़ी गाँव में आज श्री सिंधिया जी का आगमन हो रहा है, उसके संदर्भ में हम आज आए हैं ग्राम पाडरखेड़ी में। तो पाडरखेड़ी में हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की जनता से क्या क्या किस किस समस्या को लेकर ज्ञापन देने वाले हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्याणपुरी गोस्वामी, भारतीय जनता पार्टी से, किसान मोर्चा से, मंडल अध्यक्ष रुटियाई से। तो भाई, जो मंडल की जो जनता हमारी है, हमारे पास आएगी तो उनकी समस्या तो हमको सुनना ही पड़ेगी भाई, दूसरे के पास किसके पास जाएगी? और इनकी जो वहाँ के वार्ड के पार्षद है वो सुन नहीं रहे, 23 नंबर वार्ड के। तो जनता, जैसे हमने यहाँ से टेंट वेंट लगा रखा, हमारे माननीय सिंधिया जी आ रहे हैं गैल में कोई प्रोग्राम से, तो ये हमने स्वागत के हमने रखा है। इसी पीरियड में महिला जनता बेचारी आदिवासी, इनने पूरी बात बताई कि हमारी समय भैया आ जाए दो, साहब को आ जाए दो, उनके हम बात को रखवा देंगे। तो इनके साथ में जो है माँ सरकारी ज़मीन है, करीब लगभग 1.5 बीघा बता रहे हैं ये लोग, मैंने देखी नहीं है, 1.5 बीघा ज़मीन बता रहे हैं। वहाँ प्राइमरी स्कूल भी है, तो बच्चे भी वहाँ पढ़ने से वंचित बता रहे हैं। और उसी के बगल से लगा हुआ है एक सांस का कुआ है, वो गंदा पानी निकलता है फिर भी वो लोग पी रहे हैं। नगरपालिका भी इतना ध्यान नहीं देती है, कि नगरपालिका यहाँ की इतनी भ्रष्ट है, मतलब नगरपालिका मान लो कुल मिला के दमंग लोग सारी चलाई जा रही राघोगढ़ की, नगरपालिका बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। जो दमंग लोग के नगरपालिका में पहुँच जाते हैं उनका काम तुरंत सुन जाता है, और बाकी गरीब लोग तो बेचारे धक्का मारे पड़ रहे हैं। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।